भाई मेरा चैनल कोई हैक क्यों करेगा। खैर ये बात भी हैकर को चैनल हैक करने के बाद समझ में आई, तो भाई ने मेरी मेल आईडी टिंडर पे यूज करना स्टार्ट कर दी। हेलो गाइस, जैसे कि मैं पिछले 4-6 दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी रेगुलरिटी उस सरप्राइज टेस्ट की तरह है कि कभी भी टीचर आके बोले प्यारे बच्चों अपनी कॉपी का पिन पेज निकालो और साला कभी भी पेपर स्टार्ट हो जाए। कुछ इसी तरीके से मेरी वीडियोस भी आती है, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं रोज वीडियो डालूंगा और हां कई हद तक शायद मैं रेगुलर हो भी गया था, लेकिन अभी किसी से देखा नहीं गया। और अब क्या हुआ, चलो शुरू से शुरू करते। तो गाइस ये बात है 10 जून की, जब मैं अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करके 3-4 दिन के लिए वृंदावन घूमने जा रहा था। लेकिन मैंने वीडियो बना के रखी थी भाई उन दिनों के लिए। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं 10 तारीख को था रस्ते में और मेरे पे मेरे दोस्त का फोन आता है, भाई पार्टी। मैंने की कैसी पार्टी? बोले कि भाई तूने क्रिप्टो से बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब तो तू करोड़पति हो गया होगा। मैंने की साले भाग गया है क्या, क्या बोल रहा है? तो कहता है कि भाई तूने ही तो स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे कि क्रिप्टो से पैसा कमाओ, क्रिप्टो से मैंने इतना पैसा कमाया और ये वो यो। फिर मैंने एक सेकंड का पॉज लिया और अपना इंस्टाग्राम खोला तो देखा कि उस पर क्रिप्टो वगैरह कुछ की तो स्टोरी डली हुई और पोस्ट भी करा हुआ था। तो मैंने तो उसे फटाफट से डिलीट कर दिया बिना पढ़े। हाँ, लेकिन ये वही था जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल हैक हो जाते हैं और उस पर क्रिप्टो करेंसी वगैरह की वो सब लाइव स्ट्रीम वगैरह होने लगती है, तो ऐसा ही कुछ तो था। बट मैंने इतना उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैंने कि क्या पता इंस्टाग्राम वगैरह हैक हुआ होगा, तो उसका मैंने पासवर्ड वगैरह उसी टाइम रीसेट कर दिया था और मैंने अपना घूमना कंटिन्यू कर दिया। लेकिन अब खेल शुरू होता है उसके अगले दिन 11 जून। मैं होटल रूम पे था और मैंने देखा मेरे पे एक मैसेज आ रखा है, योर टिंडर अकाउंट इज नॉट फाउंड। मैंने कि अबे ये क्या है। फिर मैंने देखा कि कोई तो मेरे अकाउंट को टिंडर पे यूज कर रहा है, बट मैंने तो आज तक टिंडर खोला भी नहीं। उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने अपनी मेल के लॉग इन डिवाइस चेक कर लिए, उसमें कोई तो सैमसंग S22 अल्ट्रा आ रहा था। मैंने कि अबे ये क्या है, बस वहां मैं खत्म हो गया था। मैंने कि शिट ये कहां से लॉगिन कर रखा है, किसने लॉगिन कर रखा है। मैंने उस टाइम सब कुछ रीसेट कर दिया, उस मेल का पासवर्ड वगैरह, और उसे लॉग आउट भी कर दी थी। लेकिन अभी मेरे मन में डर बैठा हुआ था क्योंकि अब बात मेल पे आ चुकी थी। तो फिर भी मैंने इतना ज्यादा पैनिक नहीं किया और अपना घूमने चला गया। हाँ, मन में एक डर तो था कि भाई घर पे सब कुछ ठीक है ना, मेरे डेस्कटॉप पे वगैरह सब सही है, क्योंकि मेरे जितने भी मेल्स वगैरह सब मैं अपने डेस्कटॉप पे खोल के रखता हूँ। तो अब आता है अगला दिन 12 जून, जिस दिन मैं शाम तक घर पहुंचने वाला था। तो पूरे दिन यही टेंशन थी कि कुछ हुआ नहीं हो और वृंदावन गया था तो। लेकिन अब मैं पहुंच गया घर पे और घर आते ही सबसे पहले मैंने चेक करे अपने अकाउंट्स और जो मैंने देखा वो मुझसे देखा नहीं गया। मेरे पीसी पे जितने भी अकाउंट्स थे सबके एक्सेस मेरे से जा चुके थे, सबके पासवर्ड चेंज हो चुके थे, एक भी मेल आईडी ओपन नहीं हो रही थी और उसी में से एक थी नाजायज गेमर यूट्यूब चैनल की आईडी। उसके बाद मैंने उसको बहुत लॉगिन करने की कोशिश करी बट वो लॉगिन हो ही नहीं रही थी किसी भी तरीके से। उसके बाद मेरे पिछले 2 या 3 दिन कहां गए, कैसे गए, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो जो पता है वो सुनो। अब मैंने अपनी साइड से सब कुछ ट्राई करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपन कुछ मेल और ट्वीट्स कर दें गूगल या फिर यूट्यूब को। हाँ, इतना बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी। तो मैंने सबसे पहले गूगल को एक मेल करा जिसके अंदर मैंने अपनी सारी आईडीज मेंशन करी और उन्हें सब कुछ बताया कि मेरा क्या क्या कैसे कैसे हैक हुआ है। बट इसका एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आया कि हमने आपकी एप्लीकेशन लीगली फॉरवर्ड कर दी है, इस पे लीगली एक्शन ले लिए जाएंगे अगर आपकी एप्लीकेशन सही हुई तो। गूगल वालों का काम खत्म हो गया बट हमारा यहाँ से कुछ काम नहीं बना। तो हम गए ट्विटर पे और वहाँ पे हमने 2 ट्वीट कर दिए, एक गूगल को एक यूट्यूब को। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे हुआ तो कुछ नहीं था बट YouTube वाले मेरी हेल्प कर सकते थे अगर मेरे चैनल का मेल बदल जाता। अगर मेरे YouTube चैनल का मेल बदल जाता तो मेरे को मेरे YouTube का एक्सेस मिल जाता। अब हर बड़े यूट्यूबर की तरह मैंने भी दोनों ट्वीट करके Instagram पे डाल दिए कि भाई रीपोस्ट करो, रीट्वीट करो। स्टोरी पे कुल 5 लाइक थे, 55 व्यूज थे, रीपोस्ट एक हराम घोर ने नहीं कर रखा था। लेकिन ठीक है, फिर भी हमारे पास YouTube का मैसेज आया, मेरी YouTube से बात हुई और एट लास्ट उन्होंने मेरे को YouTube पार्टनर टीम से कनेक्ट कर दिया, उनसे फिर मेरी बात होने लगी। बस उसके बाद क्या था, थोड़ा मुश्किल था उन लोगों को समझाना, उनका काम थोड़ा टेक्निकली होता हो या फिर क्या होता हो, लेकिन वो थोड़ा समझ कम रहे थे। लेकिन एट लास्ट अपना अकाउंट वापस आ गया और आज 16 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद कल आ जाएगी या फिर आज ही आ जाएगी। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे फॉलो कर लो आप लोग, अगर चैनल वगैरह ऐसे जाता है वापस तो कहीं तो मेरे पे बैकअप होगा। बाकी मैंने तो नया चैनल बनाने की भी सोच ली थी कि ये चैनल तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन एट लास्ट ये चैनल मेरे को 14 जून की मिडनाइट में मिल गया था। मिडनाइट भी नहीं, 2-3 बज रहे थे शायद, तब मेरे पास ये चैनल वापस आ गया। तो गाइस इसलिए तुम लोग अभी जाके इन दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अपने पास यूट्यूब आ चुका है और मैंने जो जो सोच लिया था ना भाई, नए यूट्यूब चैनल के लिए अब रेगुलर वीडियो डालूंगा, वो करूंगा, वो इस चैनल पे करेंगे। तो अब अपनी तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी यार कुछ दिन कमेंट्स वगैरह भी कर देना कि अपने चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।